हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। ग्रेविटेशन में कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो एक्चुअली हम उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार शुरू में भी ये बात बताया हूँ कि ग्रेविटेशन वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है, कम पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हो। जनरली दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलो, ये कहता है इसके वेलोसिटी ऑफ स्पीयर ऑफ मास m और रेडियस r, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस, तो इसके वेलोसिटी ऑफ स्पीयर मास m गिवन बाय। अब देखो, एक स्पीयर है, अर्थ से हमने, ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ से हमें एक स्पीयर m मास के स्पीयर को एस्केप कराना है और अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ की रेडियस दी हुई है। तो हम सबको पता है कि पढ़ के आए हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप मतलब क्या होता है कि जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचा देना है, ठीक है। एस्केप, अगर मैं इसको भी वेलोसिटी से फेंकता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं तो मेरे पास सिर्फ तीन कंडीशन है। एक तो मैं इसको एस्केप वेलोसिटी से कम फेंका तो वो धरती पर वापस आ जाएगा, एक एस्केप वेलोसिटी के बराबर फेंका तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी को, जस्ट पहुंच जाएगा, वहां आराम करेगा, उसकी काइनेटिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। एक मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंक दिया तो ये इन्फिनिटी पे जाके भी घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो जीरो होगी पर इन्फिनिटी पे जाके मौज करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुझे एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो एस्केप वेलोसिटी इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें पहले से पता है। डायरेक्ट हम रट लिए हैं एस्केप वेलोसिटी की फार्मूला, जी एम मास ऑफ द प्लैनेट रेडियस ऑफ द प्लैनेट टू अंडर रूट ए। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं। ये आपको क्वेश्चन ये सिखा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। चलो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है और अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 2gmr अंडर रूट होती है और थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये वैक्यूम में कैलकुलेट किया गया, इसकी ये वैल्यू है, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू थोड़ी इससे ज़्यादा आती है मेरे प्यारे बच्चों, एयर ओवर होता है, ठीक है। इफ द अर्थ मास इंक्रीज ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड रेडियस बिकेम हाफ, चलो अर्थ की ज्योमेट्री, अर्थ की डायमेंशन मैं चेंज करता हूँ, तो मान लिया मैं इसके वेलोसिटी भी डैश हुआ, क्या 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 किया भाई, टू कैपिटल जी तो वही रहा, मास टू टाइम्स कर दिए, जो मास एम था उसको मैंने टू टाइम्स कर दिया, तो टू टाइम्स तो टू एम, रेडियस कितना कर दिए, पहले का आधा कर दिए, तो पहले का आधा, तो ये पहले का आधा मतलब ये टू जी एम आर और ये अंडर रूट टू, ये हमारा फाइनल बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टू टाइम्स इसके वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ इसका डबल, 11.2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि जो कि ए ऑप्शन सही है। आ गया ना समझ में? आसान था, आसान क्वेश्चन है। इधर जल्दी जल्दी आसान क्वेश्चन आते थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने जमाने के जो डॉक्टर थे, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन ऐसे उनके टाइम में आया करता था, बट ये कि उस टाइम उनके लिए यही डिफिकल्ट था यार, ठीक है। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ जी स्मॉल, अर्थ का फार्मूला भाई स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? अब देखो, जी एम ओवर आर का स्क्वायर, तो मास यहाँ से निकाल लो, मास पूछ रहा है, तो मास इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये जी आर स्क्वायर कैपिटल जी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे भी इसको कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट 120 किलोमीटर, व्हाट विल हैपन टू द बॉल। अब अगर आप एस्ट्रोनॉट हो, इमेजिन करो आप क्या हो, एस्ट्रोनॉट हो, अर्थ है और अर्थ आप एस्ट्रोनॉट हो, ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो, ए इस स्पेस शिप में आप बैठे हो और ये एक चक्कर लगा रहा है अर्थ का, सेटेलाइट है, ठीक है। अब आप इससे कुछ गिरा देते हो, ठीक है, जैसे मान लो इसे कुछ एक बॉल गिरा देते हो, आपका मन करता कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, आप इसी स्पेस शिप में बैठे हो और यहाँ से आपने एक बॉल गिरा दिया, ठीक है, एक बॉल गिरा दिया, आप सोचते हो क्या वो धरती पे चलाएगा क्या? नहीं 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 भाई, बॉल जो अगर स्पेस शिप से गिराओगे, जो सेटेलाइट है अर्थ के राउंड चक्कर लगा रहा, वो अर्थ पे कभी नहीं आएगा और ना ही इन्फिनिटी पे जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि इनके बीच जो है अर्थ के सेंटर पर नेट टॉर्क क्या है, जीरो, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
नेट टॉर्क जीरो होता है तो अर्थ और इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, अगर इसे कोई भी चीज़ अगर सेपरेट होती है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कितनी है इसकी एंगुलर मोमेंटम, अगर ऐसे एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है तो कि मैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, और अगर इसकी स्पीड भी है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम आप एम भी आर आ जाएगा, ठीक है MBR। अब जब बॉल गिराओगे तो एंगुलर मोमेंटम उसका भी कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व रहेगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो है उसी आर्बिट में उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चक्कर लगाने लगेगा, उसी आर्बिट में उसी, ठीक है, उतना ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में उसी एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक है। It will continue revolve with same speed along original orbit of the spacecraft। ये गया, ठीक है ना। चलो इसका मतलब ये हुआ कि टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एम गो, ये नया क्वेश्चन है देखो, अराउंड ए सर्कल ऑलरेडी अंडर डायरेक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब हम लोग के पास दो बॉल है यार, एक बॉल यहाँ मेरे पास, ठीक है। अब ये दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस प्लेन में, और ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसमें और कोई फोर्स नहीं लग रहा भाई, ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो अगर इस पे ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये, ठीक है। तो ये अगर एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, और वो मूव कर रहे इस तरह से, और ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, ये वो है, ठीक है, आर रेडियस से सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अब इमेजिन करो, आप सबको पता है कि आप फिजिक्स पढ़ के आए हो कि अगर सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी चीज है, दैट इज द सेंटीपीटल फोर्स। तो इस पे सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, और सेंटीपीटल फोर्स जो होगा, सेंटीपीटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, पहले ही बताया हूं, ठीक है ना। सेंटीपीटल फोर्स जो है वही आदमी है जो शादी के दिन दूल्हा बन गया है, ठीक है, आ रहा समझ में ना। आदमी वही रहता है लेकिन शादी के दिन उसका स्पेशल नाम रहता है, दूल्हा हो जाता है। फोर्स रियल है पर वो एक स्पेशल केस में स्पेशल नाम दे दिया गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल के इक्वल है, और ग्रेविटेशन की वैल्यू हो जाएगी जी मास एम, और रेडी इनके बीच का डिस्टेंस आर, मतलब 4R², ठीक है, दैट इज द इक्वेशन। अब यही प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स mv² / r। तो एक एम ने एक एम को, एक आर ने एक आर को, ठीक है। तो फाइनली जो स्पीड मिल जाएगा वो 1/2gmr√। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दोनों का मास इस बार हम लिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये इफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, चलो अगर अर्थ सन के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, चलो अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, सन के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ। तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है तो कितना फोर्स लगेगा मेरे भाई, कितना फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, ठीक है। हाँ, हम सबको पता है कि ये दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है इसमें, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वही प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स, ठीक है, इस पे इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा, वही सेंटीपीटल फोर्स mr² प्रोवाइड करेगा, mr² प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब mr² ये द अर्थ, अब सारी वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, अब क्या निकालना है एंगुलर, ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ, हाँ, तो मास दिया हुआ है 6 × 10⁻², 6 × 10⁻², ठीक है, एंड रेडियस दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, मतलब 10³ मीटर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 × 10⁻²⁻¹ का
स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन सबको कैलकुलेट करो तो 460 और 60 और 36, ठीक है। तो ये देखो, ये आ रहा कैलकुलेट करके देखो तो लेटेस्ट कैलकुलेट डेटा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन रेडियस ऑफ अर्थ रो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। तो जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर, ये होता है। अब ये इसी रिलेशन को हमें डेंसिटी के टर्म में लिखना है, इसी रिलेशन को डेंसिटी के टर्म में लिख के हमें रो डेंसिटी निकालना है, क्योंकि देखो स्मॉल जी दिया हुआ है, सब में कैपिटल आर दिया हुआ, तो इसको डेंसिटी के टर्म में कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कैपिटल जी आर स्क्वायर और ये जो मास है दैट इज मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, इधर गया जी, तो ये आर ने आर को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो रो की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी, 3g 4 पाई कैपिटल जी और एक आर और आएगा, 4 पाई एक आर और आएगा ना, तो ये 3g और ये 4 एक आर और बच गया था 4 पाई जी आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, 4πr²r³, ठीक है, क्लियर है, आसान था, ही आसान क्वेश्चन था। चलो, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड मार्स का अलग है, दोनों का रेडियस अलग है, मतलब मार्स का रेडियस आधा है अर्थ का, ठीक है, देख रहे हो डेटा से, द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स, मतलब अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स, ठीक है, मास ऑफ मार्स, ठीक है, मार्स को एम से डिनोट कर देता हूं, एम मार्स को एस से डिनोट कर दूं, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज टू टाइम्स रेडियस ऑफ मार्स, ठीक है, देख लो 6400 किलोमीटर ये डेटा दिया हुआ, ऑब्जेक्ट वेट 200 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक ऑब्जेक्ट है उसकी अर्थ के सरफेस पे 200 न्यूटन वेट है, तो उसको मार्स पे मैं ले जाऊंगा, अब भाई तुम एस्ट्रोनॉट बन गए, नासा में चले गए, ठीक है, तो एक बार अर्थ पे मेजरमेंट किए, तो अर्थ पे मेजरमेंट किए तो क्या हो गया, वेट mg ले लिए, जो तुम्हें दिखा 200 न्यूटन, ठीक है, ये तो तुम्हारा अर्थ का डेटा है। अब तुम मार्स पे लेके गए, तो मार्स पे जब वेट करोगे इसी ऑब्जेक्ट का वेट, तो वेट डैश एम और ये जी डैश हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो जो मार्स पे जी डैश हो जाएगा, उस जी डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो जी डैश की वैल्यू एम और जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल टू होता है जी एम ओवर आर का स्क्वायर, जी एम ओवर आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जी एम ओवर आर का स्क्वायर दैट इज ये सब डेटा है मार्स का यार, ठीक है, और यहाँ से तुम एक्चुअली यहाँ एम और जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये अर्थ का डेटा था, इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्थ के डेटा को मैं यहाँ से सॉल्व करके एम डैश जो मार्स का लिए एमएस आरएस उसको तुम निकाल दो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ अर्थ की डेटा रख दो, तो अर्थ का ये जो है अर्थ का मास जो है जी और अर्थ का मास इज इक्वल टू 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स दैट इज 1 km यहाँ से बॉडी का, ठीक है, और ये रेडियस आधा है, तो रेडियस आधा है तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल है दैट इज 4rs का स्क्वायर दैट इज 200 न्यूटन, तो 10 ने 10 यहाँ से ख़त्म कर दिया, दैट इज यहाँ से आ जाएगा जी मास ऑफ द मार्स स्मॉल m और रेडियस ऑफ द मार्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन ही आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी डेटा है इन सब की वैल्यू जो है, ये पूरा डेटा जो है इन सब की वैल्यू क्या है, 80 न्यूटन सोल्यूशन सही है, ठीक है, मतलब अर्थ पे समझ रहे हो ना, अर्थ पे जो है ये क्या है, ए वेट एम जी है यार, ये एम जी है, ठीक है, ये अर्थ पे 200 था, तो मार्स पे आ जाएगा हम लोग के पास
80 न्यूटन, ठीक है। चलो मतलब सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कौन सा क्वेश्चन आया है। डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेनेट फ्रॉम द सन दिया हुआ है, ठीक है, दो प्लेनेट है, द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पूछा तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है पढ़ के आए हो ना, केपलर थर्ड लॉ टी स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर क्यू, सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से ये सन है, ठीक है, ये एक अच्छा सा सन है, ठीक है, इसके अराउंड दो प्लेनेट है, ठीक है, दोनों प्लेनेट अलग अलग ऑर्बिट में है ये, ठीक है, इसके अराउंड दो प्लेनेट है। डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेनेट, एक प्लेनेट 10 की पावर जो दूर है वो 10 की पावर 13 मीटर है और ये 10 की पावर 12 मीटर है, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड का रेशियो निकालना। चलो इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड मतलब इसका T1 अपन T2 का पूछ रहा है, दैट इज T1 अपन T2 इज इक्वल टू R1 अपन R2 की पावर 3/2, यही तो होगा भाई। R1 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12 का 3/2, तो कितना होगा, ये 10 की पावर 10 बचेगा और 3/2, 10 की पावर 3/2 का क्या मतलब होता है, 10 root 2, 10 root 10, ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, है ना, आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ये कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r, समझना आप, ये एक नया मतलब नया कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा, अपने मन से बना रहा है यार, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा, बदल रहा है, ठीक है, कि अगर ये कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता था न्यूटन के लॉ से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r के स्क्वायर हुआ करता था, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स था, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। पर ये कहता है कि चलो मैं अभी एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर का, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1, ये क्वेश्चन है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ कुड हैव ऑर्बिटल स्पीड भी प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल स्पीड, अगर ये ऑर्बिटल स्पीड भी से चक्कर लगा रहा था तो पहले ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला रट के आए हो, जो हम लोग याद करके आए थे प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड वो था gm ओवर r अंडर रूट, क्या अभी भी ऑर्बिटल स्पीड रेडियस के r रूट प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये फार्मूला लगेगा, नहीं ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, बिकॉज ये इसलिए नहीं लगेगा कि ये तब डिराइव हुआ था, तब सिस्टम बना था जब ये फोर्स 1/r का स्क्वायर का फॉलो कर रहा था, तब जाके फार्मूला बना था। अब इसने फंडामेंटल फोर्स ही बदल दिया तो सारे डेरिवेशन सारे फार्मूले बदल गए होंगे, ठीक है, तो अब मुझे नया ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और जैसे इसको निकाले थे वैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। चलो तो अब जो फोर्स है वो एक्चुअल में इसके प्रोपोर्शनल है, उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड में मान लिया इधर है वह v डैश, ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड v डैश, इसका मतलब ये हुआ इनमें अट्रैक्शन जो फोर्स है, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वही प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स, लेकिन अब जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू होगी gm/m/r, आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटीमीटर फोर्स होगा एम वी डैश का स्क्वायर ओवर r, that is provided by gravitational force gmm/r, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r ने r को m ने m को, समझ रहे ना, ये centripetal force की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है भाई, रेडियस r है तो centripetal ये तो नहीं चेंज होगा ना यार, इसका मतलब ये हुआ कि v डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी gm और डिवाइडेड बाई कुछ नहीं 1, ठीक है, तो gm, इसका मतलब ये हुआ 1 लिखेंगे नहीं, चलो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस पे r नॉट है,
प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर नॉट ले लो, कैपिटल आर ले लो, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट होता है, आर नॉट पे कैपिटल एम पे कैपिटल आर पे इंडिपेंडेंट है, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस ये डाउट में जरूर आता है, ये जो क्वेश्चन है वो डाउट में जरूर आता है, बच्चे इसको डाउट लेके आते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों को ये डाउट में आया है क्वेश्चन, ठीक है, बड़े बड़े टॉपर को भी ये क्वेश्चन डाउट में आता है। चलो ए सेटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, ठीक है, एक सेटेलाइट है जो कि प्यारे बच्चों फोर्स फ्री स्पेस में है, अंडर द प्लेनेटरी मोशन डस्ट रेट डीएम ओवर डीटी से, ये स्केप डीएम ओवर डीटी ये कर रहा है, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है, डीएम ओवर डीटी क्या है, वेरिएबल मास का, वेरिएबल मास होता है, ठीक है, वेर एम इज द मास एंड बी इज द स्पीड ऑफ द सेटेलाइट एंड अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ सेटेलाइट। अब देखो अगर एक सेटेलाइट है, ठीक है, मान लो ये सन है, तो इस सन के अराउंड अगर एक सेटेलाइट है और वो सेटेलाइट अपना कुछ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो डस्ट स्वीप कर रहा है, डस्ट स्वीप कर रहा है डीएम ओवर डीटी, द रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ डस्ट, डस्ट कलेक्ट कर रहा है डीएम ओवर डीटी, दैट इज अल्फा वी से, अल्फा वी से। तो जब कभी भी डीएम ओवर डीटी आता है, हम सबको पता है कि ये क्या होता है, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम होता है। अब हमें वेलोसिटी हमें क्या निकालना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेटेलाइट, सेटेलाइट की एक्सेलरेशन निकालनी है। अगर सेटेलाइट की एक्सेलरेशन निकालनी है तो हाँ, एक ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स फ्री स्पेस। फोर्स फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है, फोर्स फ्री स्पेस का मतलब होता है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो, वहां पे फोर्स जीरो है, सेटेलाइट एक्सटर्नल जो फोर्स है, ठीक है, वो एक्चुअली जीरो, फोर्स फ्री स्पेस है, ठीक है। तो अगर वो फोर्स फ्री स्पेस है तो उस फोर्स फ्री स्पेस में अब आपको वेरिएबल मास का प्रॉब्लम किए होगे, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम क्या होता है, फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी, है ना, पढ़े हुए फार्मूला, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये डायरेक्ट लिख दिया मैं, नहीं समझ में आया, ओ क्या कर रहे हो, साइड में समझा दो सर। तो एफ इज इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई डी टी मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम वी। अब इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, आता ना डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, एम डी वी अपन डी टी प्लस वी डी वी अपन डी टी, ठीक है। अगर याद करो कि मास कांस्टेंट रहता था तो ये जीरो हो जाता था और ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए मिल जाता था, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन है और फोर्स इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अभी अगर फोर्स फ्री स्पेस में है और ये अल्फा दिया हुआ है, तो फोर्स फ्री स्पेस में ये चला गया जीरो और ये आ जाएगा एम, दैट इज डी वी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वी अपॉन डी टी प्लस बी और डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू अल्फा वी है। इसका मतलब ये हुआ कि डी वी अपॉन डी टी जो एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल होगा, ठीक है, यही तो एक्सेलरेशन है, डी वी अपॉन डी टी इज द एक्सेलरेशन, डी वी अपॉन डी टी इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी माइनस अल्फा वी स्क्वायर एम माइनस अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2, थ्योरेटिकली जब कैलकुलेट किया जाता है तो स्केप वेलोसिटी अर्थ का फार्मूला है 2gmr अंडर रूट और इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल, अब अर्थ के सरफेस से वर्टिकल से 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन हुआ, इस टाइप से प्रोजेक्शन हुआ, ये एंगल 45 डिग्री है, और हम ऐसा नहीं कि वापस आएगा, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल नहीं ऐसे घूम के आ जाएगा, आपने इसके वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, ये जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वर्टिकल देन इसके वेलोसिटी। अब इसके वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, तो भाई जो इसके वेलोसिटी है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, अभी भी 11.2 ही रहेगा, पेन तो बहुत छोटा हो गया,
तो अभी भी ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड, ठीक है। ए सेटेलाइट ए ऑफ मास एम इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एक सेटेलाइट है ए है जिसका मास एम है, और वो देखो ए सेटेलाइट है, ये सन है, ठीक है, ए सेटेलाइट ऑफ मास एम इज एट ए आर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ से एक सेटेलाइट है आर डिस्टेंस पे है, इसका मास m है, ध्यान देना। Another satellite 2m a distance 2r, एक और है यार, ठीक है, ये 2m है, ठीक है, इसका मास 2m है और ये डिस्टेंस 2r पे है, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, देयर टाइम पीरियड आर इन रेशियो। अब हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना प्यारे बच्चों, तो टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकालते हैं बोलो, केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ के आए थे ना हम लोग, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर q, ठीक है, हम सबको पता है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका कोई रोल ही नहीं, मास देने का कोई फायदा ही नहीं है, ना ही दे उसका कोई टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड मैं टी वन मान लेता हूँ, इसका टाइम पीरियड मैं टी टू मान लेता हूँ, क्योंकि ए का और बी का रेशियो निकालना, तो टाइम पीरियड टी वन अपन टी टू, टाइम पीरियड टी वन अपन टी टू, आर वन अपन आर टू की पावर 3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, R1 की वैल्यू कितनी है R, ठीक है, और ये R2 की वैल्यू कितनी है 2R, तो ये आ जाएगा 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 3/2, और 2 3/2 का क्या मतलब होता है 1/2√2, ठीक है, तो 1:2√2 दैट इज डी ऑप्शन सही है ना। चलो ये कहता है द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, अब अर्थ है उसकी रेडियस दी हुई है, ये अर्थ है, ठीक है, अब थोड़ा अर्थ को बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाने की जरूरत है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, समझना इसको, ये जो रेडियस है नहीं बताएगा मीन, तभी भी हम आर ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे, मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड इट्स एंगुलर स्पीड ऑन एक्सिस ओमेगा। अब ये खुद की अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है प्यारे बच्चों, ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग स्पिनिंग इट्स ऑन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे जी है। व्हाट विल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। आपको ध्यान देना है कि ये सेटेलाइट कोई नॉर्मल सेटेलाइट नहीं है यार, ठीक है, ये सेटेलाइट एक खास सेटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं जीएसएस, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस निकालना, स्मॉल आर निकालना यार। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, स्मॉल आर की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं इसकी रेडियस लिखता हूं तो इस पे जो सेंटीपीटल फोर्स लगेगा उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वही प्रोवाइड करेगा, सेंटीपीटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंटीपीटल फोर्स इसके लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम ओवर आर, ये होता आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एम ने एम को आर की पावर क्यू जो कि हमें बाद में चाहिए इज इक्वल टू जी एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ओमेगा जी एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा है उसको मैं ओमेगा मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πt, ओमेगा मैं लिख सकता हूँ 2πt, तो जी एम, अब देखो ये जो डेटा है वो तो मैं सेटेलाइट के लिए लिखा हूँ भाई, समझना है यहाँ, बच्चे डाउट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है बच्चों का, ये जो डेटा है सर आप सेटेलाइट के लिए लिखे हो, फिर अर्थ का ओमेगा क्यों डाल रहे हो, ठीक है, अर्थ का टाइम पीरियड क्यों डाल रहे हो, बिकॉज जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होने की वजह से जो इसका टाइम पीरियड अर्थ का है और इसके रोटेशन का टाइम पीरियड सेम होता है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसकी ओमेगा सेम होती है, अगर मैं अर्थ से इस सेटेलाइट को देखता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे रेस्ट में दिखाई देता है क्योंकि रिलेटिव ओमेगा जीरो होता है, आया समझ में, ये गेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें किसके टर्म में चाहिए, ओमेगा के टर्म में ही चाहिए, तो ये स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/3
दैट इज रेडियस आर, ठीक है, जी एम, अब इसको जी के टर्म में लिखना है, तो जी, ठीक है, अब ये अर्थ का था, ये अर्थ का था, ये अर्थ का था, लेकिन यही क्या हो जाएगा, सैटेलाइट का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होता, ओमेगा सेम ही होगा, ठीक है, अर्थ और सैटेलाइट का डेटा, इसका मतलब ही हुआ जी स्मॉल जी के टर्म में लगना है, तो जी एम को लिख सकता हूँ जी आर स्क्वायर, ठीक है, जी आर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जी आर स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर की पावर पावर भाई 1/3, ठीक है, तो ये पावर 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि जी आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/3, जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू, हाँ, जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्व कर दो और गलत आ जाए, ठीक है ना। चलो, ये कहता है कि सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए स्पीड वेलोसिटी वी, व्हाट विल द टोटल एनर्जी, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी, अगर किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का जो फार्मूला रटे हो, रट लिए हम लोग, माइनस जी एम एम ओवर आर होता है, आर जो है सैटेलाइट की ऑर्बिट होती है, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की, वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू होती है जी एम एम और प्लस टू आर, ठीक है, ये प्लस टू आर ही होता है, ये होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टोटल एनर्जी है वो एमबी के टर्म में बताना है, ठीक है, तो एमबी के टर्म में बताना है, इसका मतलब ये हुआ व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी, तो ये हम सबको पता है कि टोटल एनर्जी तो हमेशा निगेटिव होगा, तो ये तो टोटल एनर्जी तो हमेशा निगेटिव होगा यार, ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, ऐसा ही नहीं हो सकता, यही सही है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर है, माइनस हाफ जी एम एम इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी, वैसे भी टोटल एनर्जी सैटेलाइट की इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड सिचुएशन होता है, ठीक है, बाउंडेड होता है, थ्योरी में पढ़े थे ना हम लोग, तो ये अगर इस टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो निगेटिव हमेशा होगा। नेक्स्ट ये कहता है ए प्लेनेट इज मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सन इफ टी वी ई एल ए स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम द अबाउट द सेंटर ऑफ द फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जब वो थियरी पढ़े हो तभी जाके इसको तुम बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो एक एक कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट किया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, टी, टी क्या, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अब अगर कोई प्लेनेट मूव करता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है क्या, नहीं यार, उसकी स्पीड, ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, इसमें स्पीड क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। भी इज ऑलवेज पॉजिटिव, भी क्या है, भी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल गलत बात, B is always negative, B is always negative, gravitational potential minus gm, gravitational potential energy minus gm mm over r होता है दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशन में, तो ये भी गया। E is always negative, E क्या है, देखो E is the total energy, E is the total energy, हाँ ये तो सही है, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होती है भाई सेटेलाइट की, और उसकी वैल्यू होती है, हम सब अभी पढ़ के आए हैं, माइनस जी एम एम ओवर टू आर, वेयर आर इज द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब सेंटर से सेटेलाइट का, ठीक है। एल इज कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर चेंजेस, बिल्कुल गलत बात, एंगुलर मोमेंटम सेटेलाइट का कंजर्व होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना यार कि अर्थ अगर ऐसे क्लॉक वाइज, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रही है, ठीक है, तो आधे घंटे बाद जब क्लॉकवाइज रोटेट करने लगी, ऐसा तो नहीं होता है, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के बाहर आ रहा है, आता ना डायरेक्शन कर्ल करने का, तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन नहीं बदलता, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होता है। चलो
तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन फ्रॉम मी। इसमें और ज़्यादा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आप तुम्हें टेस्ट दो, ठीक है। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, तो सेल्फ टेस्ट दो, टेस्ट अपने आप को टेस्ट करो। जो क्वेश्चन नहीं होता उसको बारीकियों से समझो, उसको अच्छे से समझो, क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था, क्या मैं पागल हो गया था, क्या मेरा दिमाग काम नहीं किया, क्या मैं उदास था, क्या मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी कमी थी, कि मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई, क्या रीज़न था जो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को, रीज़न को फाइंड आउट करो एग्जैक्ट प्रिसाइज, और उस पर काम करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।